नमस्कार साथियों, हम एक शिक्षक हैं। विद्यालय में हम निरंतर अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। वे बच्चे जिन्हें उनके माता पिता बहुत उम्मीदों के साथ हमारे पास हमारे विद्यालय में भेजते हैं, वो कौन सी उम्मीदें हैं? वो उम्मीदें हैं कि हम विद्यालय में ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा परिवेश निर्मित करेंगे जिससे बच्चों को एक बेहतर नागरिक के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। हम बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास करेंगे, हम बच्चों का बहुआयामी विकास करेंगे। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तित्व विकास में शिक्षक किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकता है? आज की परिचर्चा इन्हीं सब बिंदुओं पर आधारित है। साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर के मनोभावों और उसके मनोशारीरिक तंत्रों का एक गतिशील संगठन है। गतिशील से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता। किसी का व्यक्तित्व यदि एक बार निर्धारित हो गया तो जीवन पर्यंत वैसा व्यक्तित्व रहेगा नहीं। उसके जो अनुभव उस एकत्र होते हैं, वह जिस प्रकार का अवलोकन करता है, जैसे परिवेश में रहता है, उसके शरीर में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों प्रकार के तंत्रों के सहयोग से, समन्वय से जो गतिशीलता व्यक्ति के व्यक्तित्व में आती है, व्यक्तित्व उसी रूप में प्रतिलक्षित होता है। साथ ही किसी का भी व्यक्तित्व उसके परिवेश में, उसके वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को सुनिश्चित करता है। अपूर्व समायोजन से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व विलक्षण होता है, भिन्न होता है, अपूर्व होता है, यूनिक होता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की यूनिकनेस के कारण अपने चारों ओर के परिवेश के साथ समायोजन सुनिश्चित करता है। जो जितना अच्छा समायोजित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व उतना प्रभावी हो जाता है। जो व्यक्तित्व समायोजित नहीं हो पाता, उसके व्यक्तित्व में विकार आने लगते हैं और हम कहते हैं कि ये कुसमायोजित है, ये वातावरण के साथ, परिवेश के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के विचार दोनों को एक अद्वितीय स्वरूप प्रदान करता है। अद्वितीय का मतलब हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है। किसी का भी व्यवहार, किसी का भी विचार किसी दूसरे के व्यवहार या विचारों का अनुपालन तो कर सकते हैं, परंतु शत प्रतिशत किसी दूसरे के जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अपनी व्यक्तिगत मनोभाव, अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपना मनन, अपना चिंतन, इन सब का प्रभाव होता है। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुवांशिकता और परिवेश दोनों से प्रभावित होता है। अनुवांशिकता से बहुत सारे लक्षण आते हैं जो व्यक्तित्व का अंग हैं, जैसे लंबाई, रंग, हाव भाव, चेहरे का आकार, शरीर का गठन, बोलचाल, बालों का रंग, आंखों का रंग, बहुत सारी चीजें अनुवांशिकता से आती हैं। और परिवेश से भी बहुत सारी चीजें व्यक्तित्व में आती हैं। हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम कौन सी भाषा सीखते हैं, हमारे अंदर कितने गुण आए हैं, हमने किन किन गुणों को ग्रहण किया है, हम दूसरों के साथ व्यवहार करते समय किन गुणों को प्रदर्शित करते हैं, हमने कौन से कौशल अर्जित किए हैं, सब व्यक्तित्व का अंग है। व्यक्तित्व केवल चेहरा नहीं है, व्यक्तित्व केवल व्यवहार नहीं है, व्यक्तित्व केवल शरीर नहीं है, व्यक्तित्व केवल आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। व्यक्तित्व बहुत बड़ा शब्द है और उस शब्द में सब कुछ समाहित होता है। आपका रूप रंग, आपके चाल ढाल, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपके विचार, आपके मनोभाव, सब कुछ व्यक्तित्व में समाहित होते हैं। और ऐसा व्यक्तित्व बने हमारे बच्चों का, जो बच्चे समाज में समायोजित हो पाएं, जो बच्चे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन पाएं, ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी माता पिता ने
विद्यालय को सौंपी है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व केवल विद्यालय निर्मित नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी विद्यालय पर है, मतलब केवल विद्यालय पर है, नहीं, लेकिन विद्यालय बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि तो बच्चा विद्यालय में रहता है, संगी साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है, अध्यापक के साथ बातचीत करता है, उसका भाषा विकास होता है, उसमें कौशल विकसित होते हैं, उसमें मूल्य निर्मित होते हैं। विद्यालय बहुत सारे आयामों में अपनी भूमिका निभाता है बच्चे के व्यक्तित्व की। और ऐसे में वहाँ हम हैं एक शिक्षक के तौर पर, तो यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएं। पाठ्यपुस्तकों में बहुत सारे तरीके सुझाए गए हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। आप व्यक्तित्व विकास में बच्चों पर ध्यान देकर उनका व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं, आप अनुशासन स्थापित करके कर सकते हैं, आप आनंद और प्रेम के द्वारा संबंध विकसित करके कर सकते हैं, आपको धैर्य चाहिए, आपको प्रोत्साहन करना होता है और बच्चों में समझ विकसित करनी होती है। चलिए हम इन्हीं बिंदुओं पर आज की चर्चा में थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालते हैं। ध्यान देकर, कहा जाता है अध्यापक यदि बच्चों पर ठीक से ध्यान दे तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका है उन पर ध्यान देना। और कितना आप ध्यान दे रहे हैं और कैसा ध्यान दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आपके ध्यान की मात्रा और गुणवत्ता दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वे बच्चे आपकी कक्षा में आते हैं, पढ़ते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं। अब मान लीजिए आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, आप कितने बच्चों पर अपना ध्यान देते हैं? क्या आप सारे बच्चों पर बराबर ध्यान देते हैं? क्या कुछ बच्चे कक्षा में ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है? तो वह क्यों है? या आप बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, आप बस आते हैं, अपना पाठ पढ़ाते हैं और चले जाते हैं? इस सब का बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि जब एक अध्यापक कक्षा में होता है तो अध्यापक के पास दो आंखें होती हैं और वे दो आंखें 40 बच्चों के व्यवहार को देख रही होती हैं, लेकिन कक्षा में 80 आंखें होती हैं जो एक अध्यापक के व्यवहार को देख रही होती हैं। आपके व्यवहार का प्रत्येक आयाम, आपकी चाल ढाल, आपका पहनावा, आपकी बातचीत का तरीका, बच्चों से प्रश्न पूछने का तरीका, बच्चों के साथ घुलने मिलने का तरीका, बच्चे आपके व्यक्तित्व का एक एक पक्ष, कोई ना कोई बच्चा ध्यान दे रहा होता है। तो आपको भी बच्चों के प्रत्येक आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कक्षा में कोई बच्चा प्रश्न करते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कक्षा में, तो हमें उनका उत्तर तत्काल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। होता क्या है कि बच्चों ने प्रश्न पूछा, ज्यादातर बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी अध्यापक समय की कमी के कारण या किसी कारण से कहता है ठीक है इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, और बाद में वो उत्तर देना भूल जाता है। तो धीरे धीरे बच्चे प्रश्न करना बंद कर देते हैं, और जब बच्चे प्रश्न करना बंद कर देते हैं इसका उनके व्यक्तित्व के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें अपने बच्चों को प्रश्न पूछने वाला बच्चा बनाना चाहिए। कक्षा में हमेशा अध्यापक को प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, कक्षा में अध्यापक प्रश्न पूछने नहीं जाता, कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछने आते हैं, अध्यापक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उनकी मदद करने आता है। बच्चों का एक गुण होता है, बच्चे चाहते हैं कि अध्यापक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। इसके लिए कुछ बच्चे कुछ अच्छे कार्य करते हैं और कुछ बच्चे कभी कभी कुछ शरारतें भी करते हैं। वो शरारतें बहुत बार बच्चे इसलिए नहीं करते कि बच्चे शरारती हैं, बच्चे इसलिए शरारतें भी कर सकते हैं कि बच्चे चाहते हैं शिक्षक का ध्यान मेरी ओर हो, शिक्षक मुझसे तो बात ही नहीं करता। कक्षा में 40 बच्चे हैं, शिक्षक की पसंद के 5 बच्चे हैं, वो केवल उन 5 बच्चों से बात करके पूरी कक्षा उन 5 बच्चों को पढ़ाकर चला जाता है पूरा विषय। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप बच्चे पर ध्यान ना दें या यदि आप बच्चे को अकेला छोड़ दें तो इसका बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे जिन पर घर में या विद्यालय में ध्यान न दिया जाए या जिन्हें अकेले छोड़ दिया जाए,
ऐसे बच्चे के व्यक्तित्व में विकारों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक शिक्षक को, जो उसका सबसे बड़ा यंत्र है व्यक्तित्व विकास का, वह है बच्चों पर ध्यान देना। दूसरा उपकरण जिसका प्रयोग हम करते हैं वह है अनुशासन। अनुशासन को आप नकारात्मक अर्थों में मत लीजिए। जब हम विद्यालय में अनुशासन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक शिक्षक से अपेक्षा रखते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं, स्वयं से अपेक्षा रखते हैं कि शिक्षक को स्पष्टवादी होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। अनुशासन का अर्थ क्रोधी होना, अक्खड़ स्वभाव का होना, कठिन पहुंच वाला होना नहीं है। यदि कोई शिक्षक के पास बच्चे जाना पसंद नहीं करते, शिक्षक से बच्चों को भय लगता है और उस भय के कारण बच्चे कुछ करते हैं, तो ये अनुशासन सकारात्मक अनुशासन नहीं है। हमें ऐसा अनुशासन विद्यालय में स्थापित नहीं करना। ऐसे अनुशासन से बालक का कोई व्यक्तित्व विकसित होने नहीं जा रहा। शिक्षक को बच्चों की बात सुनने वाला होना चाहिए, शिक्षक को बच्चों के उत्तर देने वाला होना चाहिए, शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। अनुशासनहीनता क्यों होती है, इस पर बहुत विचार होता है, बहुत लेख भी लिखे गए हैं, बहुत परिचर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन सामान्य विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारणों पर यदि आप कभी क्रियात्मक शोध करें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक क्रियात्मक शोध इस पर करें कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता क्यों होती है, तो आप उसके कारणों में पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे इसलिए अनुशासनहीनता करते हैं क्योंकि बिना अनुशासनहीनता किए उनकी ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता, अर्थात आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। कई बार उनके समक्ष कोई समस्या है जो वे अपने अध्यापक से बांटना चाहते हैं, अध्यापक से अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, अध्यापक पर समय नहीं है, अध्यापक उनकी समस्या को समझने को तैयार नहीं है, या तो वो कहाँ जाते हैं, वो साथियों के पास जाते हैं। हो सकता है साथियों के पास समस्या का सही समाधान ना हो और इस तरह से वे गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनुशासन का अर्थ नियम पालन तो है, नियम बच्चों के पालन के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन नियम पालन कड़ाई से नहीं, प्रेम से होना चाहिए, सहयोग से होना चाहिए, समझ से होना चाहिए। बच्चों में आप ये समझ विकसित करें कि ये नियम क्यों बनाया गया है, नियम के बच्चों को फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, किसी नियम के पालन से बच्चों में क्या सकारात्मक विकास होगा, ये बच्चों को बताइए ना। और अनुशासन अध्यापक की आवश्यकता के अनुसार नहीं होना चाहिए, अनुशासन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। कई बार कक्षाओं में अनुशासन के नियम जो निर्धारित किए जाते हैं, बहुत सारे नियम लिखित नियम नहीं होते, अध्यापक, प्रधानाचार्य या विद्यालय तंत्र अपने विद्यालय के अनुसार अनुशासन के नियमों का निर्धारण कर देता है। लेकिन अनुशासन के नियमों का निर्धारण करते समय चिंतन के केंद्र में बच्चा और बच्चे की आवश्यकताएं होनी चाहिए, चिंतन के केंद्र में अध्यापक या प्रधानाचार्य की अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। मैं यहां ये कहना चाहता हूं, यदि हमें बच्चों के सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास करना है तो हमारे विद्यालयों में अनुशासन का स्वरूप बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों के अनुरूप यदि आप अनुशासन निर्धारित करेंगे तो आप निश्चित ही एक अच्छा सकारात्मक अनुशासन का वातावरण स्थापित कर पाएंगे। और केवल अनुशासन की बात नहीं, कभी कभी बच्चों के साथ आनंद और प्रेम के क्षण भी बिताने चाहिए। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अध्यापक और बच्चों के बीच जो आनंदपूर्ण संबंध होता है, जो प्रेमपूर्ण संबंध होता है, उसका बड़ा प्रभावी भूमिका होती है। आपको ऐसे क्षण ढूंढने चाहिए जहां बच्चे अनुशासन और किताबी ज्ञान और एक परंपरा और जो प्रतिष्ठा और जो अनुशासन और जो सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं उसके परे बच्चा शिक्षक के साथ मुक्त भाव से परिचर्चा कर सके, आनंद के क्षण व्यतीत हो सकें। और ये बच्चे कब करेंगे, जब आप सभी बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव के प्रेम और लगाव प्रदर्शित करेंगे। यदि आपका प्रेम और लगाव किन्हीं चिन्हित बच्चों के साथ है, यदि कोई कुछ ही बच्चे आपको पसंद हैं, तो धीरे धीरे जो बच्चे आपको नापसंद हैं उनके व्यक्तित्व में विकार विकसित होने शुरू हो जाएंगे।
बच्चों के प्रति बिना किसी भेदभाव के प्रेम और लगाव प्रदर्शित आपको करना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रियाओं में, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे क्रियाकलापों में सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए। बच्चों के साथ कुछ खेल भी खेलने चाहिए, कुछ आनंदपूर्वक क्षण भी बिताने चाहिए, कुछ उनकी बातें सुननी भी चाहिए। जरूरी नहीं सारी बातें विषय से जुड़ी हों, क्योंकि बच्चों और आपके बीच जितनी दूरी कम होगी, जितना बच्चे के मन में आपके प्रति भय कम होगा, उतना बच्चा आपके साथ अपनी बातें बांटेगा, अपने प्रश्न पूछेगा, अपने समाधान ढूंढेगा और उसके व्यक्तित्व पर इस सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक शिक्षक को क्या आवश्यक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जानना आवश्यक है। और बच्चे जो कुछ भी कक्षा में कर रहे हैं उसे पसंद करना आवश्यक है। पसंद करने का अर्थ, आप ये मत मानकर चलिए कि बच्चे जो कर रहे हैं वो सब गलत ही करेंगे, अधूरा करेंगे, तो अधूरा करने दीजिए, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, ठीक दिशा में जा रहे हो, और करने की आवश्यकता है। और बच्चे क्या कर सकते हैं उनकी क्षमताओं में भरोसा रखना होगा आपको। यदि अध्यापक ये मान ले कि मेरी कक्षा में जो बच्चे आए उनमें कोई क्षमता ही नहीं है, सारी क्षमता मुझे ही उनमें विकसित करनी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चों में अपार संभावनाएं होती हैं, बच्चों में अनंत क्षमताएं होती हैं। शिक्षक को उन अपार संभावनाओं को ढूंढकर, उनकी अनंत क्षमताओं का प्रयोग करके उनके व्यक्तित्व का विकास करना होता है, और ये सब प्रेमपूर्ण आनंदपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। एक और अपेक्षा है शिक्षक से, जब हम बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, वह अपेक्षा है धैर्य की। बच्चे जो हमारी कक्षा में आते हैं, उनकी काम करने की गति, किसी भी कार्य को समझने की उनकी क्षमता, उनकी कक्षा में शिक्षकों से और साथियों से अपेक्षाएं, वे आपकी गति, समझ और अपेक्षाओं से भिन्न होती हैं, वे एक जैसी नहीं होती। कक्षा के सारे बच्चे आप जिस गति से पढ़ाना चाहते हैं उस गति से पढ़ लें, यह संभव नहीं है। आपने जितनी भी विषय वस्तु उनको समझाई है, सारी विषय वस्तु सभी बच्चों के समझ में आ जाए, यह भी असंभव है, क्योंकि उनकी समझने की क्षमता भिन्न भिन्न है। कुछ तेजी से समझने वाले हो सकते हैं, कुछ मध्यम गति से समझने वाले हो सकते हैं, कुछ को समझाने के लिए आपको अन्य अन्य प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना पड़ सकता है। और बच्चों की अपेक्षाएं आपकी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकती हैं। आप चाहते हैं ये अध्याय पढ़ के बच्चा ये सीखेगा, बच्चा कहता है ये अध्याय पढ़ के मैंने कुछ और सीखा, तो जरूरी नहीं है कि आपकी अपेक्षाएं बच्चों की अपेक्षाओं के जैसी हों। इसलिए आपको बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते समय, उनके साथ वार्तालाप करते समय, उनके साथ शिक्षण करते समय बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। और बच्चे जब कोई कार्य करें, आपने उनको कोई गृह कार्य दिया है, कोई परियोजना कार्य दिया है, कोई दत्त कार्य दिया है, कोई भी कार्य जब आप बच्चों को देते हैं, तो आप ये उम्मीद मत करें कि सभी बच्चे आपके द्वारा निर्धारित समय में ही उत्तर दे देंगे। बच्चों के कार्य करने की गति थोड़ी धीमी होती है, तो बच्चों के कार्य करने पर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। यदि बच्चों ने कार्य करने में कुछ गलती कर दी है तो उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए। था तो धैर्य बहुत बड़ी पूंजी है, एक शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए। बच्चों के कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, ये काम तुमने ऐसे किया, इसमें कुछ और ये बिंदु और जोड़ लेते तो और अच्छा हो जाता, अगली बार जब इस काम को करना तो इसमें ये बिंदु, ये प्रक्रिया, ये वस्तु और प्रयोग करके देखना। बच्चे को सदैव प्रोत्साहन पूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि जो बच्चा आलोचना सुनता है वह आलोचना करना ही सीखता है। अर्थात यदि अध्यापक कक्षा में निरंतर बच्चों की आलोचना करे, या ऐसे बच्चे जो कुछ काम को ठीक से नहीं कर पाए, कुछ ने अधूरा छोड़ दिया, वह उनकी यदि निरंतर आलोचना करता है तो धीरे धीरे बच्चों में वही आलोचना घर कर जाती है, और फिर बच्चे केवल आलोचना करना ही सीखते हैं, वे आलोचक पहले हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक अध्यापक को बच्चों के अच्छे व्यवहार की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, भले ही वह छोटा सा व्यवहार हो, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए, तभी आप उनके गलत व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। तो धैर्य जो है वो एक बड़ा उपकरण है
बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का। यदि आप धैर्यशील होंगे, यदि आप बच्चों के कार्य रखने पर धैर्य करेंगे, यदि आप उनकी बात धैर्य से सुनेंगे, यदि आप बच्चों के कार्यों को प्रोत्साहन देंगे, तो बच्चों में भी धैर्य का गुण विकसित होगा। और धैर्य व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। धैर्यवान व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व होता है, क्योंकि वो दूसरों की बात सुनता है तब अपनी प्रतिक्रिया देता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वह समझ विकसित करना। किसकी समझ? मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है, शिक्षक बच्चे को समझे। शिक्षक बच्चे को समझने से पहले खुद को समझे। मैं क्या हूं, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, मेरे व्यक्तित्व के क्या सकारात्मक पक्ष हैं, मेरे व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चीज है जिसका मेरे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और मेरे व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चीज है जिसका मेरे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरी भाषा, मेरा शब्द चयन, मेरा व्यवहार, मेरे हाव भाव, इन सब का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहता हूं कि यदि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना है तो पहले अपनी समझ, अपने आप के बारे में समझ विकसित करिए। एक अध्यापक पहले खुद को समझे, फिर खुद को समझने के साथ साथ बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न आयामों को समझे। व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। व्यक्तित्व विकास में भाषा का भी भूमिका है, व्यक्तित्व विकास में व्यवहार की भी भूमिका है, व्यक्तित्व विकास में कौशलों की भी भूमिका है, व्यक्तित्व विकास में नैतिक चरित्र की भी भूमिका है। व्यक्तित्व तो बहुआयामी है, व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। शरीर ठीक से विकसित हो रहा है, यह भी व्यक्तित्व के विकास का आयाम है। तो क्या बच्चे की शारीरिक दृष्टि से ठीक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो क्या उसके माता पिता से बात करने की आवश्यकता है? क्या उसको कुछ भोजन में परिवर्तन करने के सुझाने की आवश्यकता है? क्या उसको किसी चिकित्सक के पास भेजने की आवश्यकता है? क्या ये सब समझ हमें विकसित करनी होगी। हमें ऐसे क्रियाकलापों की समझ विकसित करनी होगी जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक योगदान करते हैं। और न केवल समझ विकसित करनी होगी, ऐसे क्रियाकलापों को हमें अपने शिक्षण में उपयोग करना होगा, उनको उसमें भाग दिलाना होगा। जैसे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में, उदाहरण के तौर पर इसको ले सकते हैं हम, कि एक बड़ा अच्छा आयाम है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति की अवसर मिलने चाहिए। तो ऐसे कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं जहां बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलें? क्या हम भाषण करा सकते हैं? क्या कविता पाठ करा सकते हैं? क्या वाद विवाद प्रतियोगिताएं करा सकते हैं? क्या कोई नाटक करा सकते हैं? कोई रोल प्ले, भूमिका अभिनय कक्षा में करा सकते हैं क्या? तो अगर हमें लगता है कि बच्चों के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बच्चों को अपनी बात कहना आना चाहिए, अपने आप को प्रदर्शित करना आना चाहिए, उनमें अपनी अभिव्यक्ति का गुण होना चाहिए, तो उनको अपनी बात अभिव्यक्त करने के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं? यदि कोई बच्चा लिखित तौर पर अच्छी अभिव्यक्ति करता है तो क्या हम निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करा सकते हैं? क्या कहानी लेखन आयोजित करा सकते हैं? क्या कविता लेखन आयोजित करा सकते हैं? क्या कौन कौन से क्रियाकलाप चाहिए? तो आपको बच्चों की समझ भी विकसित करनी है और उन क्रियाकलापों की समझ भी विकसित करनी है अपने अंदर। यदि आप अच्छे आवश्यक क्रियाकलापों की समझ अपने अंदर विकसित करेंगे तो आप उन क्रियाकलापों का प्रयोग कर पाएंगे। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी मैंने पहले भी अभी चर्चा की है, शिक्षक को अत्यंत धैर्यवान और बहुआयामी होना चाहिए। धैर्यवान से मेरा तात्पर्य है कि शिक्षक को बच्चों की बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बच्चों के प्रश्न सुनने की क्षमता होनी, केवल बच्चों का प्रश्न नहीं, बच्चों के माता पिता के प्रश्न भी, समुदाय के सदस्यों के प्रश्न भी, विद्यालय से जुड़े सभी भागीदार अपनी समस्याएं लेकर आते शिक्षक के पास ही हैं। बच्चे ने भोजन नहीं किया, माता पिता शिक्षक को शिकायत करते हैं। बच्चे के व्यवहार में कोई नकारात्मक पक्ष है, समुदाय का कोई सदस्य आकर अध्यापक को शिकायत कर सकता है। बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई, अध्यापक से बात करता है।
तो अध्यापक को इतना धैर्यशील होना चाहिए, इतना धैर्यवान होना चाहिए कि वह प्रत्येक भागीदार का, बच्चों का, उनके माता पिता का, समुदाय के सदस्यों का, प्रधानाचार्य का, सबके विचारों को धैर्य से सुने, केवल सुने नहीं, उन पर चिंतन करे, समाधान ढूंढे, बच्चे से बात करे। और समाधान केवल शैक्षिक समाधान नहीं होते, कई बार व्यवहारिक समस्याएं होती हैं तो व्यवहारिक समाधान होते हैं, कई बार शैक्षिक समस्याएं होती हैं शैक्षिक समाधान होते हैं, कई बार व्यक्तिगत समाधान हो सकते हैं, कई बार सामूहिक समाधान हो सकते हैं। तो शिक्षक की सोच का बहुआयामी होना आवश्यक है, शिक्षक को विभिन्न आयामों में सोचना होगा। केवल एक आयाम पर, एक बिंदु पर दृष्टि गड़ा करके शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक योगदान नहीं कर सकता। यदि शिक्षक को बच्चों के व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, तो शिक्षक को बहुआयामी होना होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शिक्षक को ऊर्जा चाहिए, शिक्षक में चिंतनशीलता चाहिए, और शिक्षक की मानसिक तौर पर शिक्षक होने की तैयारी आवश्यक है। इस परिचर्चा का उद्देश्य आज यही है, ये बातें जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, इसका उद्देश्य यही है कि आप एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास में योगदान करें। इसके लिए आप अपने में क्या परिवर्तन लाएं? आप में ऊर्जा चाहिए, आप में चिंतनशीलता चाहिए, और मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक शिक्षक बन रहा हूं, मैं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक योगदान करूंगा, मैं बच्चों के माता पिता की चिंताओं को दूर करूंगा, मैं बच्चों के प्रश्नों को सुनूंगा, मैं बच्चों के प्रश्नों के यथासंभव समाधान दूंगा, मैं बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के अवसर निर्मित करूंगा। इन सब के लिए मुझे मानसिक तौर पर तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तभी मैं बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कर पाऊंगा। तो साथियों, आज मैंने इस पूरी चर्चा में उन पक्षों की बात की, उन व्यवहारिक पक्षों की बात की, जिनका प्रयोग करके हम एक शिक्षक के तौर पर, आप एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास में योगदान कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में एक अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसको कोई नकार नहीं सकता। ऐसे में यह आवश्यक है हमारे लिए ये जानना कि हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, उनको किन किन आयामों पर मदद कर सकते हैं, उनके किन किन पक्षों का विकास कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सकारात्मकता विकसित कर सकते हैं, कैसे धैर्य का गुण विकसित कर सकते हैं, कैसे उनकी बात समझें हम, कैसे उनकी बात सुने हम, कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर दें, किस प्रकार के क्रियाकलापों का गठन करें, ये सारे बिंदुओं पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि मेरी आज की चर्चा आपको बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आपको किस प्रकार की भूमिका निभानी है इसके लिए तैयार करेगी। आपने मेरी इस वार्ता को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।